हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज दैट व्हेन अ मास इज रोटेटिंग इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग द एंड द ऑप्शंस आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट टेंजेंट टू द ऑर्बिट लाइन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। तो उसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट की जगह फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एल से एल होता है आई इंटू ओमेगा, ठीक है, या फिर एल को लिख सकते हैं इस तरह से, एल को लिख सकते हैं आर क्रॉस टी, ओके, या फिर इसको लिख सकते हैं पी होता है एम वी, तो एल बन जाएगा आर क्रॉस एम वी, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम इस तरह से कोई बॉडी मान लेते हैं, एक बॉडी है, इसको रेडियस आर मान लेते हैं और वी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक, और इसका एक्सेलरेशन रोटेशन इस तरह से है, ठीक है। तो अगर आर क्रॉस पी निकालेंगे तो क्या आने वाला है, डायरेक्शन ऑफ एल, ठीक है, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ आर क्रॉस वी, ठीक है। तो अगर आप राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन वाइज करते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पहला गलत है, सेकंड भी गलत है, टेंजेंट पे नहीं होगा, ठीक है, थर्ड बोला लाइन पर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, आएगा एक लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, ऑप्शन डी जो है इसका सही है, बाकी सारा गलत है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।